आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में रायबरेली में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो प्रयागराज द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव और पोषण माह पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। इस अवसर पर वक्ताओं ने आजादी के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसके साथ ही पोषण की महत्ता पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि 100 वर्ष की आजादी की लड़ाई के बाद हमें आजादी मिली है, इसका हमें सदुपयोग करना है, हमें अपने साथ ही देश के विकास का भी ध्यान रखना है। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इससे हमारा लाभ ये है कि जो हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं उनके ऊपर और जो ग्रामीण हैं, वो जो है 75 वर्ष जो कैसे लड़ाई लड़ी गई थी, वो हम लोग जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी तो स्कूलों में मनाते ही हैं, लेकिन क्षेत्र में प्रसार नहीं हो पाता है। तो सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जिनकी सोच रही होगी कि हम भारत को कैसे आगे करेंगे, कैसे विकसित करेंगे, उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए वो काफी अच्छा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आज हमारे देश का 75वां अमृत महोत्सव, आजाद अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिससे क्रांतिकारियों ने हमें आजादी दी है, लेकिन हम उसे भूलकर उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसी पर एक पोषण अवस्था भी है। पोषण हमारे शरीर को वृद्धि करता है, अर्थात हम रोगी नहीं होते हैं। तो हमें पोषण अच्छे से करना चाहिए, हमें अपने घर का ही आहार करना चाहिए, बाहर के नहीं, जंक फूडों का सेवन बिल्कुल ही ना करें, जिससे कि हमारा पोषण बहुत बेहतर रहे, जिससे हमारा देश और ज्यादा रोशन करे, जिससे हम और देशों की तरह इतनी आजाद हो जाए कि कोई हमें रोक भी ना सके। हमारे विद्यालय में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया गया, एक फंक्शन टाइप में आयोजित किया गया, जिसका मेन पर्पस था कि आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया, जिससे हमें आजादी के बारे में, आजादी कैसे मिली, आजादी को लाने में हमारे क्रांतिकारियों का क्या योगदान था, उन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया, कितना बलिदान दिया, कितना स्ट्रगल किया, तो वो सारी ज्ञानवर्धक चीजें हमें जानने को मिली हैं। और काफी इनके बारे में हमें जो कुछ पता नहीं था वो आज हमें नॉलेज हो गया है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे एक जागरूकता का काम किया गया,